अस्सलाम वालेकुम। तो आप आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोपहर के। यहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे आज मैंने स्टार्ट किया। मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया, लंच टाइम से। तो और साथ मैंने एक रेसिपी भी शेयर करनी है चिकन कबाब की। कल मैंने शामी कबाब की शेयर की थी, आज चिकन कबाब की। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड तक आपने देखना है। बहुत सिंपल कबाब है, अच्छे लगेंगे, नाश्ते में भी खा सकते हैं। कभी दाल बनाइए उसके साथ भी अच्छे लगते हैं आपको। तो चलते हैं अपने व्लॉग की। दाल जो है वो मेरी पक चुकी है और साथ में दोपहर का लंच बना रही हूँ। लंच में जो है मैंने साथ शामी कबाब भी बनाए हैं और उसके बाद मैंने साथ ही दोपहर में किचन भी समेट लिया था। किचन समेटने के बाद कपड़े बिछाए थे बाहर और आसमान बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था। मैंने कहा आपको दिखाऊं। और ये जो सामने मस्जिद है ना, यहाँ से अजान की आवाज़ आती है। माहीन अपनी शरारतों में लगी हुई है, आप देख सकते हैं माहीन की शरारतें। और ये कपड़े अंदर भी कुछ पीछे हैं। ओके, शाम हो चुकी है। अब कबाब की रेसिपी की तरफ आते हैं, जिसमें मैंने प्याज, धनिया और हरी मिर्चें ली हैं और उसमें जो कुछ स्पाइसी देना है वो जो घर में होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, वो डाला है और उसको अच्छी तरह से आपने चॉप कर लेना है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था और धनिया जो है मैंने आधी प्याली लिया था। अब इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड करना है हमने। और जब मैंने उसको ऐड किया और मैंने चॉपर के बाद उसकी ये शक्ल बनी है। और चॉपर वॉश करने का तरीका ये है कि आप उसमें पानी में थोड़ा सा लिक्विड डालें और देखिए क्या चमचम वॉश होता है। यहाँ पर मैं ना एक सैंडविच की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ और ये पाकिस्तानी ऑरेंज तो इस दफ़ा ने बहुत ही खाए हैं, मज़े के ऑरेंज थे, मज़ा आया था खाकर। शुक्र है कि यहाँ पर भी मिलते हैं हमें और मैंने बहुत खाया। अब कबाब बनाने की जी बारी आ रही है। मैंने कुछ जो है ना ये स्क्रूअर्स होते हैं ना, इनके ऊपर लगाकर बना लिए थे और कुछ मैंने टिक्कियाँ बना ली थी। इस तरह से बहुत मज़ा आता है कबाब की ना, ऐसे बिल्कुल ताज़ा जब बन रहे हों तो ऐसे फ्लेवर मज़े का आता है। और अब ये इस तरह से मैं दूसरी तरफ टिक्कियाँ बना रही हूँ, उनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। वो जो दूसरे स्क्रूअर्स पर लगाए हैं वो मैं रात में ही खा लूँगी। ये माहीन ने सॉफ्टी पहन ली अभी, जो कि उसको छोटी है। दिखाओ माहीन, शो, ये देखिए पाँव बाहर निकल रहा है साइड से, लेकिन माहीन को अब जब बस ये मैंने पहननी है, अब बहुत खुश हो रही है। माहीन बाय कर दो, बाय। तो ये दोपहर थी, शाम हो चुकी है। अब जो है ना मगरिब की अजान होने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। और बाहर का माहौल चेक करें। माहीन को बोला है मैंने सॉक्स लेकर आए, लेकिन माशाल्लाह माहीन अब सॉक्स लेके आने के साथ साथ पहन भी लेती है माशाल्लाह से, विच इज़ गुड। ये देखें जी, माहीन को पता है कि यहाँ मामा ने इसकी सॉक्स रखी हुई है और ड्रॉर ओपन करती है माहीन और सॉक्स निकालती है और अपनी मर्जी की अभी शूज़ निकाल के चप्पल जो उसको छोटी है वो पहन रही है। यहाँ पे अब साथ साथ कपड़े जो हैं वो मैं तय लगा रही हूँ और यहाँ पे साथ कुछ आयरन वाले हैं वो आयरन कर लूँगी अपने। मैंने ऊपर रखे हैं यहाँ पे कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ें रखी होती हैं मैंने। ये माहीन के जो कपड़े रखने की जगह है, बास्केट से मैंने उसका उसको ऐसे फोल्ड करके ना इस प्लास्टिक के बास्केट में रखा हुआ है, आसानी से मिल जाता है इस तरह से। और यहाँ पे जो हैं वो मेरे कपड़े जो कुछ हैंग मैं कर देती हूँ, साथ ही साथ फोल्ड नहीं करती, वो इस साइड पर होते हैं। और ये मैं हूँ आपके साथ और यहीं पर जो है मैं अपने दिन का अख्तितम करती हूँ। बाय।